हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। सो वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू टनाटन फिजिक्स। मैं फिजिक्स टीचर राजीव सिंह आप तमाम लोगों के बीच हाजिर हूँ टनाटन फिजिक्स की तरफ से। ठीक है, तो आज अपन कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेस्ड ऑन गॉस लॉ, क्योंकि हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे हैं और कुछ अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। बाकी जो बचेगा वो आप करते रहें और डाउट आता है तो आप शेयर करें। चलिए तो इस क्वेश्चंस पे हम आते हैं। क्वेश्चंस क्या है पहले पढ़ लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि फिगर शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर चार्ज विथ लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर, अ रेक्टेंगुलर प्लेट इज केप्ट एज शोन इन द फिगर। ओके, तो ये फिगर अपने को बनाना है, हालांकि वो दिया हुआ था एग्जाम में बट अभी अपने पास नहीं दिया हुआ, अपने को बनाना है। मैंने जानबूझ के प्लॉट नहीं किया ताकि आपको समझ में तो आए कैसे करना है काम। मान लिया जाइए आर डिस्टेंस पे, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट। तो रेक्टेंगुलर प्लेट आप यहां से प्लॉट कर लीजिए, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो जाएगा, ठीक है, यहां से इसको आप यहां से ले लीजिए और जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस तरीके से हो जाएगा और यहां से ही स्टार्ट कीजिए। इरेज कर दो, काम तमाम इसको इरेज कर दो। देखो हम फिर से पाले गणतन बजा दो, सांग तुम लगा दो, फिर से पाले। तो ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे इस तरीके से चला गया। दूसरा जो लाइन्स आएगा वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे इस तरीके से चला गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट तैयार हो गया। छोटे छोटे ये इससे मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। देखिए ये दोनों फिनिश हो गया, ये यहाँ से फिनिश हो गया और ये यहाँ से फिनिश हो गया, ठीक है। चलिए इसका जो विड्थ है ये है W, ये विड्थ क्या है W है और ये जो हाइट है ये H है। तो आपसे पूछा है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की तरफ से फ्लक्स कितना पास करता है, चीजों को समझिएगा। ये R है, तो बेसिकली ये इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इस तरह से भेजेगा, इस तरह से, राइट। तो इसके कारण कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस इसके थ्रू भी पास करेगा, तो वही पूछा कितना फ्लक्स पास करेगा। सिंपल सा तरीका है, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये बेसिकली ऐसा रखा हुआ, देखिएगा ये ऐसा रखा हुआ, या आप ये समझिए ये इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है और यहाँ पे ये सीट ऐसा रखा हुआ। अगर मैं ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा रखा हुआ है, ये ऐसा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे लेते हुए मैं यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ तो हमारे पास एक सिलेंडर तैयार हो जाएगा। यानी कि इस वाले पोर्शन को मैं लेता हुआ अगर हाँ इस वाले पोर्शन को अगर मैं यहाँ से ऐसे ऐसे आते हुए, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए एक सिलेंडर तैयार हो जाएगा हमारा लाइक दिस, थोड़ा सा ये इस तरह से जाएगा, इस तरीके से। चलिए बताता हूँ कैसे जाएगा वो। ठीक है, देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ से ये इस तरीके से निकल जाएगा, यानी कि ये पहले यहाँ से इसको ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से एक सिलिंड्रिकल बनेगा, हालांकि ये परफेक्ट बनेगा। मैंने मेरे पास रॉन्ग दिख रहा है और मेरी ड्राइंग की कमी है, ये इस तरीके से ज्वाइन कर जाएगा, यानी कि बेसिकली वो एक सिलेंडर बनेगा, ठीक है। उस सिलेंडर का लेंथ कितना होगा, हाइट कितना होगा, एच होगा। अब उस सिलेंडर में ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, तो वो एक रेक्टेंगुलर पार्ट को मैं दूसरे पेन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे वो एक रेक्टेंगुलर पार्ट, देखिए ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, ठीक है। और इसके सेंटर से तो आप देखें, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, एक बड़ा सा मैं सिलेंडर का टॉप व्यू बना था, टॉप व्यू समझते ऊपर वाला व्यू, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें एक छोटा सा जो पार्ट होगा, ये जैसे मान लिया जाए ये छोटा सा ये पार्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये लगा रेक्टेंगुलर पार्ट हो जाएगा, जिसका
रेक्टेंगुलर पार्ट, क्योंकि इसको ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ इतना ही तो दिखेगा, ये वाला थोड़ी दिखेगा आपको, और ये आपका सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर से ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है आर, और ये विड्थ है डब्लू, क्योंकि ये जो विड्थ है ये डब्लू है। इसको अगर आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आर हो गया, ये हो गया डब्लू। तो देखिए फिर से, ये रेक्टेंगुलर पार्ट हो गया, रेक्टेंगुलर पार्ट हो गया, ये डिस्टेंस आर हो गया, और ये हमारा यहाँ आ गया, और ये वाला पार्ट हो गया डब्लू बाई टू। ये थीटा फाइंड कर लीजिए, जितना थीटा इस साइड होगा क्या उतना ही थीटा इस साइड भी होगा? यस, उतना ही थीटा इस साइड भी होगा। इसको आप यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए, ये दूसरा थीटा हो जाएगा। तो याद करो, मैंने गॉस लॉ या उससे पहले सॉलिड एंगल का कंसेप्ट पढ़ाया था। तो सबसे पहले आप टोटल फ्लक्स फाइंड करो, तो पहले चार्ज फाइंड करो, चार्ज कितना होगा? तो क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेमडा इंटू हेच, लेमडा इंटू हेच, राइट। अरे यहाँ तक क्लियर है या नहीं बोले वो बताओ। अच्छा, ये वाला क्लियर नहीं है, चलो फिर से समझा देता हूँ मैं। आप जैसे कह रहे हो कि नहीं क्लियर है तो फिर से मैं समझा देता हूँ। आप खुद देखो ना कि आप ऊपर से देखोगे, जैसे मान लो ये ऐसा रखा हुआ और यहाँ पर सिलेंडर है, तो आप ऊपर से देखेंगे तो आपका जो लाइट है वो यहीं रुक जाएगा और यहाँ रुक जाएगा। नीचे वाला तो इसी का स्टेट में, नीचे वाला पोर्सन तो आपको दिखेगा नहीं, तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ दिखेगा आपको, क्या दिखेगा कि एक सिलेंडर है ऐसा, ऊपर से देखेंगे एक ऐसा सिलेंडर दिखेगा, जैसा कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ शायद, देखिए, ठीक है। तो चलिए, ये जैसा कि मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ फिर से, आप समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चीजों को समझिए, ठीक है। ये हो गया हमारा, अब इसी में आपका एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, तो वो रेक्टेंगुलर पार्ट बेसिकली आपको इस तरह से दिखेगा, या इस तरह से मत लीजिए, आप इसको अलग तरीके से देख लीजिए, अलग तरीके मतलब दूसरे साइड, ठीक है, एक बोल कीजिए, ये आपका रेक्टेंगुलर पार्ट ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर पार्ट, ठीक है। अब इसको आप सेंट्रल पॉइंट से ज्वाइन कीजिए, तो कहावत है कि सेंट्रल कहावत क्या, मतलब सेंट्रल पॉइंट कौन ये है, तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा। तो इसको अगर आप ज्वाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से, जो कि दिया हुआ है आपको, देखिए ये यहाँ से ज्वाइन करते हैं, तो ये तो दिया हुआ है आर है, ठीक है, ये हो गया हमारे लिए आर। अब उसके बाद हमें इसको यहाँ से ही ज्वाइन करना है डिफरेंट एंगल पर, वो ध्यान दीजिएगा। इसको यहाँ से अगर हम ज्वाइन करते हैं, राउंड हो जाएगा, चलो कोई नहीं, यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से इसको, हाँ ठीक है, ये ज्वाइन। अब देखें क्या ऐसा ही फेनोमेना है, इस साइड जो होगा दूसरे साइड भी तो ऐसा ही होगा, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। अगर ये एंगल थीटा है, समझिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये तो आर है और ये टोटल डब्लू है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट हो जाएगा डब्लू बाई टू। कॉस थीटा निकाल लीजिए, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, यानी कि आर बाई दिस वन, तो आर बाई अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डब्लू बाई टू का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको एच ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये तो आर है और ये डब्ल्यू बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये जब सोल्व करेंगे आप, तो सोल्व करने के बाद ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, देखिएगा यहां से कॉस्ट आ जाएगा आपका, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा टू आर बाई अंडर रूट फोर आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये होगा। अब चलिए, हम जानते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टू एप्सिलॉन जीरो इंटू वन माइनस कॉस थीटा, सिंपल, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह क्या हो गया लेमडा इंटू एच बाई टू एप्सिलॉन जीरो, और ये हो गया वन माइनस टू आर बाई अंडर रूट फोर आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था, आप इसको इस तरीके से कीजिए, क्लियर का कोई दिक्कत नहीं।
चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, अब यहां पे आप आइए, तो क्वेश्चन ये है कि देखिए मैं समझा देता हूं क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसकी लेंथ देख पा रहे हैं 12 है और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लेमडा, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है और ये इनिशियली जो है इनिशियली, ठीक है, इनिशियली ये क्यूब के फेस को टच कर रहा है और ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी वी से। तो बोला है, लिख देता हूँ कि रॉड अलोंग, या ये कह लीजिए कि अ वायर ऑफ लेंथ 12, अ वायर ऑफ लेंथ 12 मूविंग विथ वेलोसिटी वी, मूविंग विथ वेलोसिटी वी राइट enters moving with velocity v enters in a cube of side length l side length l initially Buyer is at the face center of cube, Right, then plot the graph of electric flux with time. बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो समझिए t is equal to zero पे ये buyer कहाँ पे है? t is equal to 0 पे बायर यहाँ पे है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये बायर कुछ अंदर होगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? v into t, थोड़ी देर बाद और अंदर होगा, यानी कि जब तक ये वाला एंड यहां तक नहीं पहुंच जाए तब तक बायर के अंदर, सॉरी क्यूब के अंदर चार्ज की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो नीचे सोल्यूशन पे ले चलता हूं आपको, ध्यान से देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये वाला एंड को ए मान लेता हूं और इसको बी मान लेता हूं, तो बी थोड़े देर बाद कितना टाइम होगा, तो बी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा एक्स वो वी इंटू टी ट्रेवल होगा, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी हो जाएगा वी इंटू टी। लेकिन बी तो अंदर हो गया, बी क्या हो गया? अंदर हो गया, तो दिस इज द, मैं लिख सकता हूं कि दिस इज द इनसाइड, दिस इज इनसाइड क्यूब, ये क्यूब के अंदर है, तो चार्ज क्यूब के अंदर कितना होगा? तो चार्ज जो होगा क्यूब के अंदर यानी कि इनसाइड चार्ज, वो हो जाएगा लेमडा इंटू एक्स, यानी कि लेमडा वी इंटू टी होगा, यानी कि चार्ज जो है किसके प्रोपोर्शनल है? टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां से चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। लेकिन देखें जब ये वाला एंड यहां पे पहुंच जाएगा उसके बाद अगर ये एंड निकलेगा भी, तब अगर समझिए चीजों को, मैं फिर आगे ले चलता हूं आपको। देखिएगा इस क्यूब में, आप चलिए क्यूब में मैं आपको ले आता हूं। अब मान लो कि ये जो क्यूब था आपका, इस तरीके से प्लॉट कर देता हूं मैं, ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन, इसलिए ढंग से समझिएगा इसको। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि अभी जितने भी आपको प्रैक्टिस या प्रॉब्लम दिए जा रहे हैं वो सब किसी न किसी अच्छे बुक से लिए गए हैं। ये जैसे हमारा हो गया, ये हो गया क्यूब, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ कितनी है? 12 है। जब इसकी लेंथ 12 है तो मान लो कि बी यहां पे आ गया, बी कहां पे आ गया? यहां पे। तो ये बायर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये बायर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बी यहां पे, बी कहां? यहां पे। तो ए कहां पे होगा? ए यहां पे होगा। और ये लेंथ एल है, तो टोटल लेंथ कितना? 12 है। तो ये लेंथ यहां से यहां भी एल होगा। अब समझिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि सर यहां से यहां तक बी को आने में टाइम कितना लगेगा? तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? टी, सॉरी एल डिस्टेंस। तो टाइम लगा होगा एल वाई वी। अब अगर बी बाहर निकलता भी है तो वी इनसाइड का पार्ट सेम होगा, कब तक? जब तक ए जो है यहां नहीं आ जाए। यानी कि थर्ड कंसिक्वेंस ऐसा बनेगा, देखते जाइएगा,
ये थर्ड जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। ये क्यूब है हमारा, ठीक है, ये क्यूब रहा हमारा। तो सर जब ए, मान लो ए यहां पे आ जाएगा, ए वाला पार्ट यहां पे आ गया, तो उस समय रॉड कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो बी कहां हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ए हमारा यहाँ, तो बी हमारा यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। तो क्वेश्चन है कि बी ने कितना डिस्टेंस होल्ड किया, तो बी इनिशियली यहाँ था और बी यहाँ आ गया, कितना डिस्टेंस होल्ड किया बी ने, 2L, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा 2L बाई वी। यानी कि देखो, जीरो से टी में, टी वन में जो फ्लक्स है या चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी है। अब टी वन से टी टू, यहाँ देखिए, टी वन से टी टू में जो चार्ज है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि अगर बी निकल रहा है तो ए उतना ही इंटर कर रहा है, ये वाला एंड मान लो ये यहाँ से थोड़ा आगे निकला तो ये उतना ही इंटर कर जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो रिमेन्स कांस्टेंट होगा। अब मैं बात करता हूं कि जब ये ए जो होगा कहाँ चला है, ए यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो एक नया डायग्राम बनेगा फिर से। यस, यहाँ डायग्राम का एक खेल है, बाकी क्वेश्चंस में कोई गम नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन क्वेश्चंस में काउंट होता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको समझना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ये क्यूब है हमारा, ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। तो अब अगर मान लो ये वाला एंड यहाँ आ गया, ये वाला एंड यहाँ आ गया, तो वायर कितना हो जाएगा, वायर तो ऐसे हो जाएगा, अगर ये वाला एंड ए है तो ये बी हो गया। अब थोड़ा सा भी एंड बाहर जाएगा ना तो फील्ड क्या होगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा, तो अब क्वेश्चन है कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम लगेगा कितना, एल वाई वी, और ऑलरेडी ये तो टी थ्री हो जाएगा। अच्छा, मैं दूसरा डायग्राम, फ्रेश डायग्राम बना दे, थोड़ा सा मुझे जगह कम पड़ रहा है। अब देखो फ्रेश डायग्राम, फ्रेश डायग्राम इसका आप लोग देख लो, ठीक है, एक मिनट इसका डायग्राम आप देखिए। ये आपका क्यूब, ठीक है, ये क्या है आपका, नहीं ये सबका क्यूब है, ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा पेज ऊपर भी कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए इसको आप यहां से ज्वाइन कर दो, चलो जैसा वैसे समझ दो, इसको यहां से हमने ज्वाइन कर दिया, इसको हमने यहां से ज्वाइन कर दिया। तो अगर मैं ज्वाइन कर रहा तो मैं क्या समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करो आप, कि अगर अभी ए कहां पे है, अभी ए यहां पे है, अगर वो ये यहां आ जाएगा तो रड कैसा हो जाएगा, ये रड जो है इस तरीके से हो जाएगा। अगर ये एंड ए जो है यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, तो रॉड इस तरीके से हो जाएगा। जब रॉड इस तरीके से हो जाएगा तो बी ने कितना डिस्टेंस सॉल्व किया, तो बी यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था एल प्लस टू एल, क्योंकि इसके लिए टू एल है, तो यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे ए हो गया, तो बी को टोटल टाइम लगेगा थ्री एल वाई वी, थ्री एल वाई वी लगेगा, तो बी चल रहा है थ्री एल वी। अब ये ए जो है बाहर जा चुका है, तो इस केस में फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्यू भी जीरो है। समझिएगा, यहां से टी टू से, अगर हम टी थ्री की बात करें, टी टू से टी थ्री, यानी कि अब जो चार्ज है वो घटना स्टार्ट हो गया था, यानी कि चार्ज होगा अब माइनस टी के प्रोपोर्शनल होगा, कि टाइम के अकॉर्डिंग वो घटने लगेगा। तो कितने केसेस बन गए यहाँ पे, तीन केस बन गए। फर्स्ट जब ए से, मैं बता देता हूँ आपको, रिवाइज करा देता हूँ फटाफट, देखो ताकि मैं ग्राफ प्लॉट कर सकूं। या देखो जब ए से, जब ए देखो ऊपर वाला डायग्राम कहाँ गया, हाँ सबसे ऊपर डायग्राम देखो, कि जब बी जो है यहां से यहां गया, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो वो टाइम लगा एल वाई वी। अब एल वाई वी से, यानी कि टी वन से टी टू गया, चार्ज कांस्टेंट रहा, ओके, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। और जब टी टू से टी थ्री की बात कर रहे हैं, तो यहां पे जब ये वाला एंड ए से यहां पे आता है तो चार्ज घटने लगता है और फाइनली जीरो हो जाता है। तो ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। देखो मैं प्लॉट करता हूँ,
इधर की तरफ आप एक्स एक्सिस ले लो और इधर की तरफ, सॉरी ये एक्स एक्सिस ले लो और ये आप फ्लक्स ले लो। तो देखो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वाई एप्सिलॉन जीरो। तो यानी कि फ्लक्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज होगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, पहले हम टाइम की बात कर लेते। तो फर्स्ट टाइम हमारा है जीरो, दूसरा है टी वन इक्वल टू एल बाई वी, इसके बाद है दूसरा टी टू इक्वल टू टू एल बाई वी, एंड द थर्ड वन है टी थ्री इज इक्वल टू थ्री एल बाई वी। तो समझिए इनिशियली जब टाइम जीरो था तो जीरो से टी वन के बीच में चार्ज कंटिन्यूसली बढ़ता गया, और चार्ज जो है जीरो से टी वन में, मैं यहां लिख देता हूँ, चार्ज जो है जीरो से टी वन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम। तो ये ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन का, ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टी वन से टी टू चार्ज कॉन्स्टेंट है, क्यों क्या है कॉन्स्टेंट है, तो फ्लक्स भी क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, तो ये फ्लक्स हो जाएगा कॉन्स्टेंट। एंड मैंने बताया आपको टी टू से टी थ्री चार्ज। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। सो वंस अगेन आप तमाम लोगों का टन टन फिजिक्स में स्वागत है, और मैं आप तमाम लोगों का फिजिक्स टीचर राजीव राज सिंह। तो आज अपन जो कल पढ़े थे उस एपिसोड से आगे मूव करते हैं। कल अगर आपने देखा होगा तो हमने पढ़ा था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन गॉस लॉ, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, राइट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सो गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को समझने से पहले आपको गॉसियन सरफेस के बारे में जान लेना होगा या उसको समझना होगा। तो पहले हम गॉसियन सरफेस के बारे में डील कर लेते हैं कि व्हाट इज द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, राइट। तो बेसिकली गॉसियन सरफेस एक 3D क्लोज सरफेस होता है। क्या होता है, 3D क्लोज इमेजिनरी सरफेस होता है। उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हम प्रॉपर्टी के तौर पर पढ़ेंगे, कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं। तो लिख रहा हूं मैं, इट इज इमेजिनरी 3D क्लोज सरफेस, 3D क्लोज्ड सरफेस, राइट। डेट मे भी, ये कुछ भी हो सकता है, डेट 3D में डेट मे भी ये क्यूब हो सकता है, ये स्फीयर हो सकता है, राइट, एंड सिलेंडर हो सकता है। अच्छा कब क्या लेना है ये टोटली डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे, राइट। और ये सिचुएशन आपको कैसे समझ में आएगी, तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना बच्चों, ठीक है। तो पहले इसके हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं, फिर उसके बाद एक डेफिनेशन इसका और बनाएंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि गॉसियन सरफेस होता क्या है। दो पॉइंट्स का आपको यहाँ पे खासा ख्याल रखना है, मतलब एक अच्छे तरीके से ख्याल रखना। पहला ये कि गॉसियन सरफेस जो भी आप मानो, चाहे वो सिलिंड्रिकल हो, चाहे स्फेरिकल हो, या वो क्यूब हो, उन सभी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सभी पॉइंट्स पे सेम होना चाहिए। तो द फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ देखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन सरफेस, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस, पॉइंट ऑफ सरफेस मस्ट बी सेम, ठीक है, मस्ट बी सेम, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सेकेंड पॉइंट ये है मेरे बच्चों, मेरे दोस्त, मेरे रामू, मेरे जामू, मेरे कामू, मेरे राम, मेरे मैंगो, के इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सरफेस के पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो या टेंजेंशियल हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, एट द सरफेस मस्ट बी आइदर परपेंडिकुलर और पैरेलल, ठीक है।
सरफेस पे वो या तो परपेंडिकुलर हो या तो पैरेलल हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ, ठीक है। ये मुगले आजम का एक छोटा सा क्या बोलते हो मुजाहरा मुजरा आपके सामने पेश, मान लिया जाए क्यू चार्ज है। अगर इसका मुझे गॉसियन सरफेस प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे? तो समझिए क्यू चार्ज है, यहाँ देखिएगा, ये 3D में समझा रहा हूँ क्योंकि वहां पर 2D दिखा पाऊंगा आपको। ये चार्ज है, अगर यहाँ से r डिस्टेंस पे क्या मैं जाऊंगा, ये चार्ज है, और यहाँ से r डिस्टेंस पे जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से r डिस्टेंस के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ से r डिस्टेंस के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ से r डिस्टेंस के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ से भी r डिस्टेंस के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ से भी r डिस्टेंस के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी कि ये 3D में क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। यानी कि गॉसियन सरफेस जो होता है किसी चार्ज के कारण वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। यहाँ देखिए राइट, और गॉसियन सरफेस इमेजिनरी होता है तो मतलब मैक्सिमम टाइम इसको हम डैश डैश डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये एक इमेजिनरी है या रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप इससे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक बेहतरीन इमेज आता है। अदरवाइज ये नेसेसरी नहीं है कि इससे रिप्रेजेंट करना है, समझ रहे मेरी बात को। वो आप सॉलिड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन ये इमेजिनरी, इसलिए डैश डैश से रिप्रेजेंट करना बेहतरीन होता है। अब चलिए मैं इस पॉइंट की अगर बात कर लेता हूँ, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो गया, आर हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया यहाँ पे, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर हुआ। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के सरफेस पे परपेंडिकुलर है? यानी कि हाँ, एक कंडीशन सेटिस्फाइड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो। दूसरा देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ इस वाले जगह पे, या कहीं भी ले लो, यहाँ ले लेता हूँ, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे फ्रॉम होगा रेडियली, और ये भी परपेंडिकुलर हो गया सरफेस के, और मैग्नीट्यूड उतना ही है, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी रेडियली आउटवर्ड होगा, कितना होगा, उतना ही होगा, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि ये गॉसियन सरफेस है और ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन को भी सेकेंड कंडीशन को भी, तो इसलिए ये गॉसियन सरफेस माना जाएगा। तो आपने क्या देखा, पॉइंट चार्ज के कारण जो गॉसियन सरफेस आएगा वो कैसा आएगा, स्फेरिकल। तो जब कभी भी आपको पॉइंट चार्ज के कारण कहीं भी स्फेरिकल सरफेस मान, सॉरी गॉसियन सरफेस मानना हो, तो ट्राई करो कि वो स्फेरिकल मानो, राइट। तो मैं लिख देता हूँ कि इट विल बी स्फेरिकल, शेप में कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। और एक ही स्फीयर नहीं, बहुत सारे स्फीयर्स आप ले सकते हो, आर रेडियस का, टू आर रेडियस का, थ्री आर रेडियस का, ठीक है। ओके, इसका एक डेफिनेशन ये भी तो बना सकते हो, क्या सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? यस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑन विच एवरी पॉइंट हैव सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल, इट मींस पैरेलल। ओके, अब हम बात करते हैं गॉसियन सरफेस ड्यू टू लाइन चार्ज, ठीक है, यानी कि लीनियर चार्ज, समझिएगा। ये तो पॉइंट चार्ज के था, अब मान लो ये लीनियर चार्ज है, ठीक है। ओके, एक मिनट होल्ड करो रे, तुमने हमको चाहा, हम भी तुमको चाहें क्या, इश्क में इतनी बैरागी है कि हम भी तुमको पाएं क्या, ये हार कितना अच्छा जा रहा था, ये गया, ठीक है। ये लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज है मतलब क्या, जल्दी बताओ यार। लीनियर चार्ज है यानी कि यहाँ पे लेमडा है, प्लस 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 चार्ज है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्लस चार्ज है, क्या है ये, प्लस चार्ज है, तो यहाँ से आप इस चार्ज को क्या मान सकते हो कि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से मिलकर बना है? बिल्कुल मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से मिला है, और हर एक पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस आपको मालूम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो इसके कारण जो गॉसियन सरफेस होगा वो मैंने मान लिया कि ये इस तरह का स्फीयर हो गया, ठीक है। इसके कारण भी तो ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। अरे इसके कारण भी तो कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। इसके कारण भी तो कुछ ऐसा ही होगा,
और इसके कारण भी तो कुछ ऐसा ही होगा, यानी कि इन सबको स्वाइन कर दोगे तो गॉसियन सरफेस इन सबका कैसा बनेगा जल्दी बताओ। इन सबका गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल बन जाएगा, बस देखो ना यार। तो यानी कि गॉसियन सरफेस यहाँ पे सिलिंड्रिकल बन गया। ये फिक्स नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि गॉसियन सरफेस हमेशा 3D में होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, मैं छोटा सा एग्जांपल और देना चाहता हूँ आपको, मुगले आजम का एक मुजरा और मतलब पेश करना चाहता हूँ मैं। मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है, क्या हुआ इसको, ये रुक नहीं रहा है। इस स्क्वायर के सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस अगर हमें प्लॉट करना होगा तो कैसे प्लॉट करेंगे? सिंपल, ये देखो ना, ये एक स्क्वायर है या एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे चार्ज है, तो इसको क्लोज सरफेस लेना होगा, तो एक रेक्टेंगल इधर से लगाएंगे, एक रेक्टेंगल इधर से लगाएंगे, एक इधर से, एक ऊपर से, तो खुद क्लोज सरफेस हो जाएगा। तो इस केस में इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, वो क्यूब या क्यूबॉइड होगा, समझ रहे हो। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि आपको रटना नहीं है, वो प्रैक्टिस के बेसिस पे आपसे डील हो जाएगा। क्लियर कहानी, चले आगे, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है अप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब अप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम क्या करेंगे, हम गॉस लॉ का अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे। कुछ का आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फिर भी मैं उसको बताऊंगा यहाँ पे, और कुछ हम डिफरेंट टाइप्स के केसेस को भी डील करेंगे, क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपने पढ़ा है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। लेकिन सॉलिड स्फीयर में वहाँ पे चार्ज कॉन्स्टेंट है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, चार्ज डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, लेकिन मान लो चार्ज डेंसिटी वैरी कर रहा है, तब क्या होगा। इन सभी केस को एक एक करके डील करेंगे। सो नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट मुजरा मुगले आजम का पेश किया जाए, अप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सो गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करना, वन बाय वन एकदम स्टेप बाय स्टेप में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो समझिए, तो इसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, बिकॉज आप जानते हो ना phi इज इक्वल टू होता है, यहां ध्यान दीजिएगा, E डॉट ds होता है क्लोज सरफेस के लिए, और ये किसके इक्वल होता है, q enclosed या q inside by epsilon zero होता है। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वल कर दूं तो क्या यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो अब कैसे आप वर्क को प्रोसीड करोगे, तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। द फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको गॉसियन सरफेस अज्यूम करना होगा, एक क्लोज सरफेस आपको अज्यूम करना होगा। हाँ, आपके जहन में चल रहा होगा कि सर सिंबल किसका है, तो ये सिंबल है क्लोज सरफेस का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। पहला आपका प्रोसेस है कि आप क्या मानो, एक गॉसियन सरफेस को मानो। अब दूसरा बात है कैसे मानना है, तो आप इस तरीके से मानो कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट गॉसियन सरफेस के राइट गॉसियन सरफेस पे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम अ गॉसियन सरफेस इन सच अ वे point must be on the surface। अब कौन सा पॉइंट, वो मैंने आपको समझा दिया कि जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हो वो पॉइंट सरफेस पे होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप है, जो भी आप सर गॉसियन सरफेस मान रहे हो उसके अंदर चार्ज कितना वो फाइंड कर लो। स्टेप टू, Find the charge enclosed by Gaussian surface. Charge enclosed by
गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस है उस पे चार्ज कितना होगा वो फाइंड कर लीजिए एंड देन इक्वेट स्टेप थ्री, देन इक्वेट, तब आप इक्वल कर दो किसको, इसको, ए डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन जीरो। तो मैं एक एक करके आपको सारा रामायण कहानी पढ़ा दूंगा, चले आगे, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब इसके प्रैक्टिकल कुछ एप्लीकेशंस को मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन। क्लियर कहानी, चल देखते रहिए। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जितने स्टैंडर्ड केस पढ़े हैं उसको मैं फिनिश करूंगा, फिर क्वेश्चंस के तौर पे मैं आपको इसमें ट्विस्टिंग कैसा होता है, ट्विस्टिंग मतलब आईटी एडवांस में इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे वो कि फाइंड द इलेक्ट्रिकल टू सॉलिड स्फीयर, वो ट्विस्ट करते हैं, वो ट्विस्टिंग क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन केस फर्स्ट आपका फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देखिएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा वो आपको फाइंड करना है, क्लियर कहानी, ओके। अब चले जाइए पॉइंट चार्ज के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला याद है क्या, तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ, क्यू नॉट है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ये मैंने फाइंड किया था बाई कूलम्स लॉ यूज करते, याद है क्या। हाँ, अब मैं इसी रिजल्ट को गॉस लॉ से फाइंड करता हूँ, तो कैसे आएगा वो देखते हैं। चलिए मानते हैं कि ये हमारा पॉइंट चार्ज है, ओके, और हमें गॉस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये डिस्टेंस कितना है आर है, तो क्या करेंगे हम गॉसियन सरफेस प्लॉट करेंगे, तो गॉसियन सरफेस का नियम क्या है कि अच्छा पॉइंट चार्ज है तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है, तो स्फीयर यहाँ से भी हो सकता है यहाँ से भी, नहीं स्फीयर इस तरीके से हो कि ये पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ये उसके सेंटर पे हो, कहाँ पे हो, ये उसके सेंटर पे हो, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। अगर यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम होता है जो भी डायरेक्शन तो पता है ना, और ये सरफेस तो ये परपेंडिकुलर यानी कि ये जो है वो गॉसियन सरफेस है। अब लगा दो फॉर्मूला, E डॉट S इज इक्वल टू, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो दो चार्ज ये है वही तो इसका चार्ज है, तो ये हो गया क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन जीरो, ध्यान देना क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन जीरो। अब E को ले लिया बाहर, अब छोटे से एरिया है तो को इंटीग्रेट करो तो क्या पूरा एरिया मिलेगा, तो स्फीयर का पूरा एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन जीरो। तो अब देखें E आपको फाइंड करना है, तो बाकी टर्म्स को उस साइड भेज दूं मैं, अगर मैं बाकी टर्म्स को उस साइड भेजता हूं ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो बाकी टर्म्स को अगर मैं इस साइड भेजता हूं, यहां देखिए E इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, और ये हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, क्या हो गया, तो क्या रिजल्ट आयो रे, रिजल्ट आयो के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देखो गॉस लॉ से भी वही रिजल्ट आ रहा है जो पॉइंट चार्ज के कारण भी हमने कूलम्स लॉ से फाइंड किया था, राइट। अब आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर हमें इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, सेमी इन्फाइनाइट वायर के कारण आप यहाँ नहीं फाइंड कर पाएंगे क्योंकि अब सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं बताता हूँ कि इन्फाइनाइट के कारण फाइंड करेंगे, सेमी इन्फाइनाइट के कारण क्यों हम फाइंड नहीं कर सकते। सेकेंड केस देखिए, केस टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, डोंट वरी, घबराइए मत कि सेमी इन्फिनाइट के कारण क्यों फाइंड हम नहीं कर सकते हैं, पर इन्फिनाइट की बात कर लें, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपके पास के इन्फिनाइट लॉन्ग वायर मान लिया जाए, ये एक वायर है, इसकी वजह से प्लस चार्ज है, तो ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है,
ठीक है, ये इनफिनिटली लॉन्ग है। अब यहां से आपको डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ड्यू टू लॉन्ग चार्ज गॉसियन सरफेस कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, तो आप एक सिलेंडर मानोगे नो डाउट, लेकिन फिर से उस सिलेंडर के सरफेस पे ये पॉइंट होना चाहिए, यानी कि आप इस तरह का सरफेस मानोगे। ध्यान से देखते जाइएगा क्योंकि तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों, मेरे जमुए, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, ये आप सिलेंडर मान रहे हो, डैश डैश में कर रहे हो, आप चाहो तो नहीं भी करोगे, कोई एतराज नहीं है, ठीक है। ये हमारा यहां से यहां गया, आप सिलेंडर का लेंथ कुछ भी मान सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड है, सिर्फ ये चीज ध्यान रखना है कि ये पॉइंट सरफेस पे होना चाहिए, दैट्स ओवर। ये डिस्टेंस डी है तो इसका भी डिस्टेंस डी हो गया, मैं इसका लेंथ मान लेता हूँ एल। अब मुझे बताओ इसके अंदर कितना चार्ज होगा, पूरा चार्ज तो नहीं होगा, जो लाइन इसके अंदर है वही तो चार्ज होगा, यहां से लेके यहां तक का चार्ज होगा। तो चार्ज जो भी इनक्लोज चार्ज है उसको लिख लेते हैं, तो जो इनक्लोज चार्ज है वो हो जाएगा लेमडा इंटू एल, क्योंकि यूनिट लेमडा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, और ये हो जाएगा एल, इसकी लेंथ क्या है एल है, तो अगर इसकी लेंथ एल है तो चार्ज क्यू इनक्लोज हो गया लेमडा इंटू एल, ठीक है, समझिएगा चीजों को। अब फिर फॉर्मूला लगाइए, क्या फॉर्मूला है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज या Q inside divided epsilon zero। तो मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लो तो इसका लैटरल एरिया कितना होगा, मुझे ये बता दो इसका लैटरल एरिया कितना होगा, तो इसका लैटरल एरिया तो 2 पाई आर एल होगा, अरे ये तो होगा, ये तो जो तुम पढ़ते हो ना 2 पाई आर आर प्लस एच, वो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया में लैटरल एरिया प्लस ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर आता है। लैटरल की बात करता हूँ तो ये होगा सिर्फ और सिर्फ 2 पाई आर, आर की जगह क्या डी है, तो डी इंटू एल, और चार्ज भी आ गया लेमडा एल बाई एप्सिलॉन जीरो, क्या ये एल गेट कैंसिल, तो यहाँ से ई आ जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन जीरो। अच्छा यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ तो देखो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, तो 1 बाई 4 पाई तो के हो गया, और डी भी कहाँ गया, डी भी तो आएगा डी, तो बेसिकली ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाय t, और खुदा कसम यही रिजल्ट हमने वहां फाइंड किया था जब मैंने आपको लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन करके बताया था उस समय, राइट ओके। क्वेश्चन है, चलिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की, सर फाइनाइट के लिए हम यूज क्यों नहीं कर सकते, तो देखिए फाइनाइट तो इनफिनाइट का मतलब है कि सिमेट्री का जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, राइट। अगर फाइनाइट का मतलब है कि किसी भी सर्किट का छोटा सा पार्ट आपको ले दिया गया है, जैसे ये वाला पार्ट है, तो आप फाइनाइट के लिए इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी सर्किट का छोटा सा पार्ट हो सकता है, हो सकता है कि उस सर्किट में ऐसा रहा हो, जैसे मान लो ये सर्किट है, ये सर्किट है ऐसा है, अब मैं ये छोटा सा पार्ट आपको दे दिया, इस पे चार्ज है, ये छोटा सा पार्ट, तो ये छोटा सा पार्ट सिमेट्रिकल नहीं है ना साहब, जितना ऊपर उतना ही नीचे है क्या, नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे फाइनाइट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, फाइनाइट के लिए अप्लाई हम नहीं कर सकते। सेमी इनफाइनाइट के लिए सर, तो सेमी इनफाइनाइट के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर तो होता है बट नीचे उतना नहीं होता है, तो आप सेमी इनफाइनाइट के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि गॉसियंस या गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लीकेबल, क्लियर काम। तो नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर, फिर देखते हैं सॉलिड सिलेंडर, फिर देखेंगे हॉलो स्फीयर, फिर देखेंगे सॉलिड स्फीयर, ठीक है, उसके बाद कुछ केसेस कराऊंगा मैं, टन 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 फिजिक्स में बने रहिए, सब होगा टाइम पर होगा ये तय। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टार, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ या ड्यू टू हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। तो सिंपल है कि हॉलो सिलेंडर होगा तो एक सिलेंडर आप मान लो ना, मैं मान लेता हूँ, तुम भी मान लो, तुम्हारे मन नहीं कर जा रहा, ये मान लो एक सिलेंडर हो जाएगा,
टन 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 तरह टन 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 चलती है क्या? ठीक है देखते हैं, ये थोड़ा सा अजीब तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको ज्वाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से, यहाँ से यहीं तक जा पाएगा, ये गलत हो गया, चलो इरेज कर दो इसको। इरेज भी कर रहा हूँ, कितनी देर से छोटे वाले से क्या तारीख पाई है मैंने। ठीक है मैं इसको हाथ से बना देता हूँ। ठीक है तो चलिए मान लिया जाए कि आपके पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है ये एक सिलेंडर है और ये एक सिलेंडर हो गया हमारे पास, समझ रहे हैं? ठीक है ये इसका एक्सिस मैं मान लेता हूं, ठीक है। तो अब यहां पे हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर पे चार्ज तो सिर्फ और सिर्फ बाहर होगा, अंदर तो चार्ज नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल अंदर चार्ज नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हॉलो सिलेंडर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? सिग्मा होगा, बिल्कुल हॉलो सिलेंडर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिग्मा होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब इसमें कितने केस बनते हैं, तो इसमें दो केस बनता है सर, वन इनसाइड केस ए, मैं बात करता हूं इनसाइड का, ध्यान दीजिएगा इनसाइड यानी कि एक्स लेस देन इसके रेडियस, ये इसका रेडियस आर, यानी कि x यहाँ पे आपसे बोला गया, और ध्यान रखिएगा सिलेंडर भी जो है ये इनफिनाइट लॉन्ग सिलेंडर है, समझ रहे हैं? ये सिलेंडर भी कैसा है? इनफिनाइट लॉन्ग है, क्योंकि लॉन्ग सिलेंडर के कारण मैंने आपको पढ़ाया था, तो लॉन्ग सिलेंडर की बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो क्या करोगे? एक छोटा सा छोटा सा आप क्या करोगे, सिलेंडर मानोगे लाइक दिस, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके कर सकते हैं इसको, कर सकते, ये छोटा सा सिलेंडर आप मानोगे, यानी कि ये सिलेंडर कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है ये छोटा सा सिलेंडर हमने माना, थोड़ा सा इसको हटा ही देता हूँ यार, बहुत कचरा हो रहा है, वेट करो दिमाग गिरा देता है कचरा करके। चलो थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान दें, अरे ये क्या नाटक है, ठीक है चलो समझिएगा, ये एक दूसरा हो जाएगा आपके पास और ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ चले गए, ठीक है अब इसको अपन ज्वाइन कर देते हैं, जस्ट थोड़ा सा बना लेते हैं, है तो नहीं बट बना लेंगे कि ये सिलेंडर है, ठीक है तो हमने सिलेंडर बना लिया। अब इस सिलेंडर में आपके पास जो चार्ज है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो ये सिलेंडर लॉन्ग सिलेंडर, फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये लॉन्ग सिलेंडर है, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सिमेट्रिकल है, इसलिए फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे जो एक हमारा लिन
एक्सिस होगा तो मान लेता हूं कि ये इसका एक्सिस है, फिर कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया। ओके इसके पे हटा देता हूँ, एक मिनट वेट करो। ठीक है, ये हमारा एक लाइन होगा और ये लाइन में यहां से प्लॉट करता हूँ, ये लाइन में यहां से प्लॉट कर लेता हूँ। थोड़ा सा देखो, प्रैक्टिस नहीं होने पे सब होते रहती हैं, छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान दें बस समझते जाइए। क्या नाटक, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ये मान लो ये एक्सिस है, सॉरी फॉर दैट वर्ड, बेसिकली हो जाए कभी कभी फ्लो में आने पर गुस्सा आने लगता है, काम नहीं होता है। तो मान लो ये इसके एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, क्लियर कहानी। तो ये एक्सिस इनफिनिटली लॉन्ग है, जब सिलेंडर इनफिनिटली लॉन्ग है तो ये भी इनफिनिटली लॉन्ग, राइट। तो अब आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे फाइंड करना, मान लो ये वाला पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट पे अगर फाइंड करना है तो आप क्या मानोगे, एक्स मान लोगे। तो अब आपको एक छोटा सा सिलेंडर यहाँ पे मानना होगा। अब इस सिलेंडर को मैं डैश डैश दिखा रहा हूँ, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब ये मत पूछना कि सर ऊपर वाला डैश डैश क्यों बनाया, ये दोनों आप कर सकते हो, बना भी सकते हो, नहीं बना सकते कोई मैटर नहीं करता। तो अगर मैं इस सिलेंडर के अंदर चार्ज पूछू तो क्या बोलोगे, जीरो, क्योंकि इस जो भी है जैसे मान लो आपके पास एक नोटबुक है, नोटबुक और सिलेंडर होल्ड करोगे तो जो भी चार्ज होगा नोटबुक के सरफेस पर होगा। अगर उस नोटबुक के अंदर मैं इस पेन को उड़ा दूंगा तो इस पेन पे कोई चार्ज होगा, तो बोलोगे कोई चार्ज नहीं होगा। तो यानी क्यू इनक्लोज्ड जो होगा या क्यू इनसाइड जो होगा जीरो हो जाएगा। तो सिंपल, ए डॉट एस अगर जीरो है तो ई भी क्या हो गया, जीरो। ये मैंने आपको बड़े प्यार से समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो सिलेंडर जीरो होता है, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता है। चलिए हम सेकेंड केस की बात करते हैं, आउटसाइड वाले केस की। ये सब तुम पढ़ चुके हो, सिर्फ मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ये समझ लो, या गॉस लॉ के अप्लीकेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे बी आउटसाइड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, आउटसाइड यानी कि एक्स ग्रेटर देन आर, इस केस में पॉइंट जो होगा हमारा वो यहां कहीं होगा। तो इस केस में जो पॉइंट हमारा यहां कहीं होगा, तो जब नया वाला गॉसियन सरफेस अगर बनाओगे तो नया वाला गॉसियन सरफेस ये बनेगा साहब, ये इस तरीके से जाएगा, देखिएगा ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, दोनों तरफ होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको यहां से आप कैसे स्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब यहां से इसको इस तरीके से स्वाइन कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारे लिए। अब ये लॉन्ग सिलेंडर है, लेकिन आपने जो सिलेंडर लिया वो छोटा सा सिलेंडर, इसका लेंथ में मान लेता हूं एल, ठीक है। क्योंकि मैं अभी बता रहा हूं कि ये जो सिलेंडर है ना, इनिशियल सिलेंडर, वो काफी लॉन्ग है, ये काफी क्या है, लॉन्ग है, ये एक्सटेंडेड है, ये एक्सटेंड इधर भी और इधर भी, उसने माना है, ठीक है। तो देखिए, तो मेरा क्वेश्चन है कि Q इनसाइड कितना होगा। तो आप बोलोगे सर Q इनसाइड जो होगा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू बाहर वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा, लैटरल सरफेस एरिया 2πr, r की जगह क्या x है, यानी कि x इंटू एल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब गॉस लॉ से आप क्या कह सकते हो, गॉस लॉ से अगर आप कहोगे तो गॉस लॉ से क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। गॉस लॉ से ये हो जाएगा E dot ds is equal to q enclosed या q inside divided epsilon zero, तो ये तो हो गया साहब sigma into 2 pi x into l by epsilon zero। अब यहाँ से देखिए E into a surface area कितना होता है, जल्दी बताओ। बोलो यार, मजाक करते हो तुम यार। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एल होगा। सरफेस एरिया भी तो 2 पाई आर एल होगा, तो ये हो गया 2 पाई एक्स एल इज इक्वल टू, सब कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, कर चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं ना। फिर से हमें डायग्राम पे जाना होगा। अरे यार तुम इधर क्या भागते हो बे, इसको ऊपर ले जाने की बात करो, नीचे भागता है। हाँ इसको राइट में ले जाओ, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, तो इसका सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एल हो जाएगा, 2 पाई हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एल, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यार, कैसे हो सकता है, क्योंकि आउटसाइड तो कोई लुच्चा है क्या, कोई लुच्चा दिख रहा है क्या, एक मिनट हो चुका है, मैं रख लेता हूँ जस्ट और कुछ, कहीं कैलकुलेशन कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। सॉरी यार, थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ था, यहाँ पे जो मिस्टेक हम कर रहे हैं वो एक बड़ा सा ब्लंडर मिस्टेक है, ये है कि देखिए चार्ज जो आप फाइंड कर रहे हो वो चार्ज तो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक है, यहाँ तक थोड़ी है, तो हम सिग्मा इंटू 2 पाई आर लिखेंगे। 2 पाई आर मतलब इसकी रेडियस जो कि आर है, ये वाला रेडियस आप लिखेंगे, इसलिए वहाँ पे हम मिस्टेक कर चुके हैं, तो ब्लंडर मिस्टेक पर इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये हो जाएगा बेसिकली चार्ज हो जाएगा दिस वन आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई, सो ये हो गया देखिए सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल बाई एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से 2 पाई गेट कैंसिल, एल गेट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा सिग्मा आर पाई राइट एप्सिलॉन जीरो इंटू एक्स, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हो गया किसके कारण, हॉलो सिलेंडर के कारण। अब हम बात करते हैं नॉन मेटालिक सिलेंडर, ये मेटालिक सिलेंडर होगा ठीक है, नॉन मेटालिक यानी कि जिसपे चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। सो देखते हैं फटाफट, केस टू, केस फोर आई थिंक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर ठीक है, इसके कारण कितना होगा वो देख लेते हैं। तो सॉलिड सिलेंडर का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना कि ये सिलेंडर होगा जिसके चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम बटा होगा, मान लिया जाए ये एक सिलेंडर है ठीक है, तो ये यहां से पॉइंट स्टार्ट होगा और ये यहां तक जाएगा, ये पॉइंट यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जाएगा ठीक है, और ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सॉलिड सिलेंडर होगा यानी कि चार्ज सभी जगह है, तो चार्ज को थ्रू आउट द वॉल्यूम आपको मान के चलना है। तो मैं मान लेता हूँ जिसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो है रो, इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो, तो यानी कि चार्जेस जो हैं सभी जगह अवेलेबल है, चार्जेस जो हैं सभी जगह अवेलेबल है, एवरीवेयर, सरफेस पे, अंदर बाहर, ओ अंदर क्या है बाहर क्या है, खिड़की को बंद कर बारिश आ रही है ठीक है। देखो तो ये 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 रहा, ये हो जाएगा ठीक है, ये यहां से ये हो जाएगा, तो ये हमारा कहानी यहाँ आ गया।
ठीक है। अब आपसे फिर से वही केस, केस ए में पूछूंगा इनसाइड कितना होगा, केस ए यानी कि x लेस देन r होगा, जहां पे r ये मान लेना, हाँ ये भी लॉन्ग है, इसी इसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ और नहीं भी कर पाऊँ तो समझना है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल के लिए अप्लीकेबल है, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है और मान लो ये इसका एक्सियल पॉइंट, एक्सियल लाइन है, तो ये वाली डिस्टेंस r है। अब मानो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फाइंड करना है तो आप यहां से छोटा सा सिलेंडर तैयार करोगे, राइट, यहां से छोटा सा सिलेंडर आप तैयार करोगे, इस तरीके से वो सिलेंडर तैयार हो जाएगा। जैसे देखिए ये रहा और ये रहा, इसका रेडियस जो भी होगा अपन हमने माना है, तो इसका रेडियस क्या है, x, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको लेंथ जो भी मानना, मान लीजिए जाए लेंथ L, तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इनसाइड चार्ज जीरो है, नहीं, चार्ज कुछ तो है, लेकिन आप जब बात करोगे तो इनसाइड ये सिलेंडर, छोटे वाले सिलेंडर की बात करोगे, तो देखो इस छोटे वाले सिलेंडर को अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, एक मिनट पेन सब गए का, ये मिल क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं छोटे वाले सिलेंडर की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा छोटा वाला सिलेंडर, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारा एक मिनट बड़ा वाला, ओहो माउस कर्सर बहुत देर से रिस्पॉन्स करता है, जमाने में फिक्र नहीं है तुम्हारी। जैसे ये आपका छोटा वाला सिलेंडर, जमाने में फितरत क्या है तुम्हारी, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस तो x है और लेंथ l है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, जो भी वॉल्यूम आएगा वो हो जाएगा पाई x स्क्वायर इंटू एल। तो इसका जो चार्ज हो जाएगा इनक्लोज, बाहर वाले चार्ज हमें क्या मतलब, हमें तो इनसाइड वाले चार्ज से मतलब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम पाई x स्क्वायर इंटू एल। अब अप्लाई कर दीजिए गॉस लॉ, क्या है गॉस लॉ, फटाफट चलो, तुम तूफान तो नहीं हो, तुम आंधी के चकियारे भी नहीं। देखिए तो ये हो जाएगा ए डॉट डी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इनक्लोज एप्सिलॉन जीरो। तो भाई साहब देखो ए हो गया ई और सरफेस एरिया हो जाएगा टू पाई एक्स इंटू एल और चार्ज हो गया रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर एल वाई एप्सिलॉन जीरो, छम छम छमा छम, एक्स एक्स गेट कैंसिल, एल एल गेट कैंसिल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है रो एक्स बाई टू एप्सिलॉन जीरो, कितना आ रहा है रो एक्स बाई टू एप्सिलॉन जीरो, क्लियर कहानी। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स, इसका ग्राफ भी मैंने आपको पुल आउट करके बताया होगा। अच्छा बाहर वाला भी प्लॉट तो करें, अपने बाहर वाला तो करें, ठीक है, उसका भी ग्राफ आप प्लॉट कर सकते थे, हॉलो सिलेंडर का भी बिल्कुल, आप चाहें तो हॉलो सिलेंडर का प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि इनसाइड जीरो है और बाहर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स है। देखिए यहाँ पे देखोगे तो इनसाइड तो जीरो आ गया और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वन बाई एक्स, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स, इसका अगर आप खींच सकते हो ऐसा, यहाँ तक सरफेस तक जीरो है, उसके बाद वो घटने लगा, क्लियर काम खत्म। अब इसका देखो नीचे वाला भी चल दोगे, अगर सॉलिड सिलेंडर में आउटसाइड की बात करते हैं, हमने अभी इनसाइड की बात किया, अब केस बी की बात करते हैं आउटसाइड, जल्दी देखो बी आउटसाइड क्या देखोगे, आउटसाइड, तो आउटसाइड में एक्स ग्रेटर देन आर होगा, जब एक्स ग्रेटर देन आर होगा तब क्या होगा जल्दी बताओ, तब यहाँ पे ये डायग्राम चेंज हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ ना होके ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तो अब आपको एक अलग सा बड़ा सा सिलेंडर बनाना पड़ेगा लाइक दिस, इस तरह का सिलेंडर आपको यहाँ बनाना होगा, यहाँ भी आपको इस तरह का सिलेंडर बनाना होगा, ठीक है। अब इसको आप ज्वाइन कर दो साहब, देखिए मैं ज्वाइन कर देता हूँ डैश डैश से, अब भी ज्वाइन कर दो डैश डैश से, इसको भी आप ज्वाइन कर दो डैश 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 डैश,
तो मेरा क्वेश्चन है कि इसके अंदर कितना चार्ज है, तो इसके अंदर तो इतना जितना चार्ज इस पे है उतना ही चार्ज इसके अंदर है, यानी कि चार्ज कैलकुलेट करने के लिए रेडियस आपको कैपिटल आर यूज करना है। तो सेकेंड केस में फटाफट देखिएगा, आप समझदार हैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट खींच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहोगे तो डायग्राम में बना दूंगा, कब बना दूँ क्या, ठीक है बना देता हूँ, चलो यार बना, तुम रोने लगोगे। ये जैसे हमारा एक छोटा सा सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, और ये छोटा सा सॉलिड सिलेंडर रेडियस में है, साइज तो इसकी काफी है, लॉन्ग है ये, इनफिनाइट लॉन्ग है। तो इस पे चार्ज सभी जगह है, चार्ज अवेलेबल है एवरीवेयर, सरफेस पे, अंदर बाहर सभी जगह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, देखते हैं जी। तो अब देखिए यहाँ से x डिस्टेंस पे आपसे बोला है कि पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, एक बड़ा सा सिलेंडर तैयार करूंगा, ठीक है, एक बड़ा सा सिलेंडर मैं तैयार कर रहा हूँ, देखते जाइएगा आप भी। और ये इस तरह का सिलेंडर हमारे पास तैयार हो गया, ये इस तरह का सिलेंडर हमारे पास तैयार हो गया। अब बात यह है कि इसका रेडियस तो एक्स है और मान लो लेंथ क्या हो गया एल, ये इनफिनिटली एक्सटेंडेड है दिस वन, यानी कि इनिशियल सिलेंडर जो ओरिजिनल है वो इनफिनिटली एक्सटेंडेड है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे चार्ज की बात करनी होगी तो कितना चार्ज अंदर है, तो जितना चार्ज इस सिलेंडर पे है यहाँ से लेके यहाँ तक तो उतना ही चार्ज इसके अंदर बड़े वाले के अंदर। तो मैं क्यू इजकल टू अगर लिखता हूँ, क्यू इनसाइड इजकल टू क्या लिखूंगा, रो इंटू इसकी वॉल्यूम, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ एल हो गया। तो गॉस लॉ से E dot S is equal to, आप क्या करोगे, Q inside by epsilon zero करोगे, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये E। अच्छा अब इसकी सरफेस एरिया किसकी बाहर वाले की कितना होगा, तो सर ये हो जाएगा 2 pi r, r हो गया x into length l, और ये हो गया rho into pi r square l by epsilon zero। तो ये पाई गेट कैंसिल, ये एल गेट कैंसिल, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है पाई आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0 इनटू एक्स। तो ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आप देख पा रहे होगा अपने नग्न आंखों से कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स है और इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हो ना मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो आप ग्राफ तो ऑलरेडी जानते हो, फिर भी मैं यहां बता देता हूं, आप इसकी ग्राफ ऑलरेडी जानते हो मुझे यकीन है, मैंने बताया है, यकीन क्या मैंने बताया भाई, एक्स हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, सरफेस तक स्ट्रेट लाइन होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद सरफेस के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू राइट हॉलो स्फीयर, जल्दी केस फाइव और केस सिक्स जो भी होगा केस फाइव सिक्स कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ड्यू टू हॉलो स्फीयर या कहते हैं मेटालिक स्फीयर, क्योंकि मेटालिक स्फीयर पे भी सारा का सारा चार्ज सरफेस पे होता है। तो हॉलो स्फीयर पे तो आपको मालूम है ना कि चार्ज कहाँ होगा, सबके सब आउटसाइड होगा सिर्फ, यानी कि सरफेस पे होगा। मान लो ये आपका हॉलो स्फीयर है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जितने सारे चार्ज होंगे सबके सब सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होगा, यानी कि यहाँ चार्ज डेंसिटीज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा होगा, ठीक है। चाहो तो आप क्यू ले लो इसको, टोटल चार्ज को क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जहां जहां आप क्यू लेना चाहते हो वहां क्यू ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इनसाइड बात करता हूँ, केस इनसाइड देखिए, केस ए यानी कि x लेस देन r हो, अगर x लेस देन r होगा तो यहाँ कहीं होगा, तो ये एक गॉसियन सरफेस बना लो। तो मुझे बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो जीरो चार्ज है, तो यहाँ q इनसाइड होगा जीरो, तो फ्रॉम e डॉट ds जो होगा वो हो जाएगा q इनसाइड बाय एप्सिलॉन जीरो, अगर ये जीरो है तो e भी क्या होगा जीरो, ठीक है। अगर मैं आउटसाइड की बात करता हूँ केस बी, x ग्रेटर देन r की अगर बात करता हूँ तो वो कहीं यहाँ पे होगा, और यहाँ पे होगा तो आप उसको यहाँ पे एक स्फीयर तैयार कीजिए,
तो ये स्फीयर जो होगा इस तरह से डैश डैश करता हुआ तैयार हो गया आपका ये स्फीयर लाइक दिस। अब इस स्फीयर का रेडियस x है, लेकिन इसके अंदर चार्ज कितना है, जितना है यहाँ पे, तो ये चार्ज कितना q है, तो ये हो जाएगा q इनक्लोज की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, और ये एरिया हो जाएगा, देखें तो आप यहाँ से लिख दीजिए e डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू वाई एप्सिलॉन जीरो, और ये हो गया u इंटू एरिया सिलेंडर सॉरी स्फीयर का 4πx² क्योंकि रेडियस x है। तो यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा मेरे बच्चों, यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है ए इज इक्वल टू क्यू बाई 4π, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा छोड़ दिया आपने, एप्सिलॉन जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। तो यानी कि यहाँ भी ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, सरफेस से अंदर कुछ भी नहीं है, बाहर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये एक्स हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, जस्ट मैं आपको अप्लीकेशन बता रहा हूँ गॉस लॉ का, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है। चलिए केस नंबर जो भी होगा 6-7 कर लेंगे अपन, केस 6। ड्यू सॉलिड स्फीयर या इसी को बोलते हैं नॉन मेटालिक स्फीयर, क्योंकि नॉन मेटालिक स्फीयर यानी कि नॉन मेटालिक स्फीयर यानी कि इंसुलेटर है, यानी कंडक्टर वो नहीं है, तो चार्ज सभी जगह अवेलेबल होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि चार्ज डेंसिटी होगा रो। मान लिया जाए कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये एक आपका सॉलिड स्फीयर, राइट। तुझे ठीक है, तो देखिए ये सॉलिड स्फीयर है और यहाँ पे चार्ज मैंने क्या बोला कि सभी जगह अवेलेबल है, इनसाइड अंदर बाहर। हाँ मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे चार्ज क्या हो सकता है, निगेटिव भी तो हो सकता है यार, कैसे बात करते हो, ये रहा ये रहा, ठीक है। तो देखिए अगर केस ये सरफेस चार्ज डेंसिटी रो है, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, केस एक की बात करता हूँ, अगर x लेस देन r है यानी कि इनसाइड, मान लो मुझे इस पॉइंट से यहाँ पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा। तो ये हमने गॉसियन सरफेस प्लॉट कर लिया, गॉसियन सरफेस ये हमारा हो गया, ये काम क्यों नहीं कर रहा, अच्छा कर रहा है, गॉसियन सरफेस डैश डैश हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन रूल्स यही कहता है, राइट। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे लिए एक्स। अब इसके अंदर कितना चार्ज है, क्योंकि इस चार्ज से मतलब तो है नहीं, गॉस लॉ लगाओगे तो गॉस लॉ में इनक्लोज चार्ज से मतलब होता है, तो चार्ज इनसाइड रो इनटू वॉल्यूम कितना होगा, तो वो भी देख सकते हैं स्फीयर ही है, तो 4π/3x³ हो जाएगा इसका वॉल्यूम। सो आपको मालूम है इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, तो यहां से e तो यहां से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आ रहा है, देखिएगा रो 4π गेट कैंसिल, सो रो एक्स वाई 3ε₀ आ रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। और फिर से देखो ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला सेम है जो आपने पढ़ा है, अब चलिए मैं आउटसाइड पे आपको लेके चलता हूँ, ठीक है, ओके। तो अगर आप केस बी की बात करते हैं, बी व्हेन एक्स ग्रेटर देन आर होगा, तो ये तो एक सॉलिड स्फीयर है ही, यानी चार्जेज यहाँ, लेकिन आपका जो पॉइंट इसके रेडियस से भी ज्यादा है, तो इसके रेडियस से अगर ज्यादा है मेरे दोस्त, यानी कि यहाँ है, तो इसका एक सॉलिड, इसका क्या करेंगे अपन, एक स्फीयर बनाएंगे, यानी कि करेंगे। तो जब गॉसियन सरफेस तैयार करोगे, तो पहली बात है कि मान लो ये चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज क्यू है, रो मान लेते हैं, ठीक है,
तो टोटल चार्ज अगर क्यू है तो इनक्लोज चार्ज कितना होगा, तो सर इनक्लोज चार्ज भी क्यू होगा, बिल्कुल सही है। और तो फटाफट लगा दो, E डॉट डी एस इक्वल टू कितना हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, तो यहाँ से ये हो जाएगा E और ये बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, यहाँ से E इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, तो यार के मालूम है। तो ये सब चीज़ें मैं और थोड़ा सा मैं स्पीडली खींच रहा हूँ क्योंकि हमें इन सब का वैल्यू मालूम है, ऑलरेडी हम सुन चुके हैं सब चीज़ें कैसे आया था, जस्ट यहाँ पर गॉस लॉ का एप्लीकेशन डील कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसका भी ग्राफ बनाओगे तो उसी तरह आ जाएगा, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि स्ट्रेट लाइन आएगा, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की स्ट्रेट लाइन और सरफेस के बाद जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक केस और बचता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट शिफ्ट, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन शिफ्ट, अच्छा थिक शिफ्ट का ऑलरेडी बता चुका हूँ, याद है ना थिक शिफ्ट, ठीक है। तो थिन शिफ्ट का बता देता हूँ, तो देखो हाँ, तो ये है, मान लिया जाए कि एक शीट है और ये इस तरह से एक्सटेंडेड है, ये एक शीट है अप टू इनफिनिटी तक एक्सटेंडेड है, ठीक है, ओके। तो अगर आपको याद हो तो इस चीज को मैंने आपको डिस्क का हेल्प लिया, याद है क्या। अब यहाँ हम क्या करेंगे, कॉस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए, समझिएगा चीजों को, मुझे यहां से डी से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डिफाइन करना, समझिएगा ये आपका सीट है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका जैसे सीट है और यहाँ से डी डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सिलेंडर लूंगा और वो सिलेंडर ऐसे जाएगा, जस्ट लाइक बांस ना, अगर क्या बोलते हैं उसको, बम्बू, तो जस्ट लाइक ये बम्बू यहाँ से इस पर जा रहा है। तो जब वो बम्बू यहाँ से उस पर जाएगा तो यानी कि बम्बू का कुछ ना कुछ तो साइज होगा, मान लिया जाए मैं दूसरे पेंसिल दिखा देता हूँ आपको, रेड पेंसिल ये है, ठीक है। तो ये बांस यहाँ से यहाँ तक गई, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये यहां से यहां तक, समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल समझना पड़ेगा आपको सही। तो देखिए ये सब चीजें आप कई तरीके से कर सकते हैं, आप कई सारे सरफेस यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको S1 मान सकते हैं, इसको आप S2 मान सकते हैं, इसको आप S3 मान सकते हैं, कई सारे सरफेस मान सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरा सिंपल सा यहाँ पे आपका क्या बता रहा था, अब यहाँ पे जो भी इसका, अब ये देखिए ठीक है, ये थिन है तो थिकनेस तो होगा नहीं, ये थिन है ना साहब, तो थिकनेस तो बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये सो मान लो कि ये वाला पड़ जाएगा, मैं थोड़ा सा आपको इसे बता रहा कि मान लो दिखाई दे रहा आपको मार्कर है, ओके थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊंगा, ओहो नहीं मार्कर नहीं हुआ, तो चलो इसमें गिरेगा। तो देखिए छोड़ इन बात, तो यहाँ तो मेरा क्वेश्चन है कि जो बम्बू यहाँ से पास हो रहा है या जो भी रॉड है, ठीक है, तो वो सिर्फ इतना ही एरिया तो लेके जा रहा है, इतना ही, ये तो देख पा रहे हो, इतना ही एरिया तो लेके जा रहा है, यानी कि यहाँ भी उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या उतना ही होगा। तो आप बिल्कुल बोलोगे सर हाँ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ भी होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस डी है, नो डाउट, ये डिस्टेंस क्या है, डी है, और ये रेडियस हमें मालूम नहीं, तो ये रेडियस में मान लेता हूँ, तो ये रेडियस यहाँ भी आर होगा, यानी कि ये एरिया जो आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आएगा वो जाएगा डिस्क है। अब समझिएगा, क्या मैं इस सिलेंडर को तीन एरिया में डिवाइड कर दूं, बिल्कुल कर सकता हूं। देखिए ये इसको अगर मैं S1 मान लेता हूं, इसको अगर मैं S2 मान लेता हूं, तो देखिए सिलेंडर में एक तो ये हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक उसके बीच में जो लैटरल सरफेस यानी कि ये हो गया, तो इसको मैं S मानता हूं। अब मैं इस चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा सर,
क्योंकि अभी तक आपको जितने भी मिले हैं वहाँ पे एक एक सरफेस थे, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा सरफेस है, इसलिए हमें डील करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर इस सिलेंडर को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इस सिलेंडर को अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो ये सिलेंडर है बेसिकली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज पार्ट है, छोटा सा चार्ज पार्ट इन द सेंस ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। यानी कि चार्ज सिर्फ इतना ही है, तो यानी चार्ज की बात करता हूं मैं, क्यू इन तो वो हो जाएगा सिग्मा इनटू पाई आर। इसके कारण ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होता है, अवे फ्रॉम होता है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी अवे फ्रॉम होगा और ऊपर की तरफ भी अवे फ्रॉम होगा। सॉरी, अवे फ्रॉम क्यों होगा, ये थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया यहाँ पे। बेसिकली ये सीट ऐसे रखा है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ भी ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप समझिएगा ये सबके सब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब मैं एक एक करके बताता हूँ, इस वाले पार्ट को लेता हूँ, मैं S1 को पहले लेता हूँ, तो S1 कौन सा, ये वाला, तो इसको लेता हूँ। यहाँ देखें, अब सिलेंडर कैसा है, तो क्लोज सर्फेस है, तो क्लोज सर्फेस का एरिया वेक्टर आउटसाइड होता है, यानी कि इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, जो भी एरिया होगा मैं देख लेंगे अपन, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों डायरेक्शन में है, तो थीटा हो गया जीरो, तो कॉस जीरो होता है वन, यानी कि यहाँ पे फ्लक्स हमें मिलेगा, ठीक है। ये एस वन की बात किया, अगर सिमिलरली मैं एस टू की बात करता हूँ, यहाँ देखें, तो एस टू में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया भी इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ थीटा जीरो है, यानी कि यहाँ भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। लेकिन अगर मैं S का बात करता हूँ, तो S तो ये है, S का अगर मैं बात करता हूँ तो S ये है, तो S का एरिया वेक्टर अप में है या डाउन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, तो ये एंगल कितना 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे फ्लक्स हमें नहीं मिलेगा, तो हमें फ्लक्स सिर्फ S1 के थ्रू मिलेगा और S2 के थ्रू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा सरफेस एरिया है, तो हमें सबको एक एक करके काउंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, पहले देखिए, phi is equal to q enclosed by epsilon 0, ठीक है। अब देखिए, इसको लिख सकता हूँ phi through first surface plus phi through second surface plus phi through third surface is equal to q enclosed कितना आता है, तो sigma into pi r square बाई एप्सिलॉन जीरो आया था। अब इसके थ्रू तो एस वन एस टू और एस है, सॉरी है, ये क्या है, एस है, इसके थ्रू तो जीरो हो गया ना सर, अभी आपने देखा ना कि इसके थ्रू क्या हो गया, जीरो। तो इसके थ्रू अगर जीरो हो रहा है, ये इसके थ्रू हो गया जीरो, अब इन दोनों का एरिया सेम है, इसका हो जाएगा ई इंटू एरिया प्लस ई इंटू एरिया is equal to sigma a pi r square by epsilon 0, और इसका भी एरिया तो उतना ही होगा pi r square, तो यहाँ से होगा 2 electric field is equal to sigma by epsilon 0, so यहाँ से होगा e is equal to sigma by 2 epsilon 0, समझ गए मेरी बात को, तो ये हमारा electric field हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, गॉस लॉ की कहानी में यही समाप्त करता हूँ, बाकी मेटल का थिक का मैंने पढ़ा रखा है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना, उस पे ट्विस्टिंग ऑफ गॉस लॉ, यानी कि इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल को डील करेंगे, राइट। तो फिलहाल हाँ, सॉरी यार, थोड़ा सा मैंने स्पीडली खींचा है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock में लगा हुआ हूँ, कई सारे वीडियो बनाने थे। चलिए, तो मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ टनाटन फिजिक्स की तरफ से, और दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें टनाटन रहें, आप और आपकी फैमिली तमाम जानने पहचानने वाले टनाटन रहें, ठीक है। तो चलिए, बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। जय हिंद सर, जय भारत।